देवभूमि की खबरों के मेगा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेरी चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है तो ठंड बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर के तले ढक गई हैं। कुमाऊं और गढ़वाल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं थराली, उत्तरकाशी, नैनीताल, हरिद्वार सहित उत्तराखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसके चलते जाम कहीं कहीं इस स्थिति में लग गया है कि वो भीषण नजर आ रहा है। देखिए, जो रामनगर से आप ऊपर की तरफ आते हैं और उफरेखाल और पीरसैंण, बिनसर महादेव, ये तमाम जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के ऊपरी इलाके हैं, यहाँ ज़बरदस्त हिमपात हुआ है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कम से कम 1 से 1.5 फीट यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है और ये काफ़ी दिनों तक यहाँ पे रहेगी। अभी तो अगर पर्यटक आना चाहते हैं, चाहे वो रामनगर से आना चाहते हैं या दिल्ली से आना चाहते हैं, कहीं से आना चाहते हैं, तो इस बर्फ़बारी का अभी भी आनंद ले सकते हैं। जहाँ तक आपने बात कही कि मसूरी या दूसरे पर्यटक स्थलों की, वहाँ जाएंगे तो देखिए वहाँ पे जाम की परेशानी होती है। और इस इलाके में अगर आप आएंगे तो यहाँ जाम नहीं मिलेगा आपको और आप पूरा लुत्फ ले सकते हैं आप पर्यटन का। यहाँ पे आज पोखरा विकास खंड और बीरोंखाल विकास खंड के मध्य इधर घनियाखाल की तरफ में है, इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रखी है कि इस समय जो है घनियाखाल के नज़दीक में वाहनों का आना जाना जो है खतरे से खाली नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी जो है पेड़ पौधों में भी बहुत सारी बर्फ़ जो है अटक चुकी है। और जो यहाँ पे सड़क है, सड़क अभी वैसे हैवी वाहन तो चल रहे हैं लेकिन जो छोटे छोटे वाहन हैं उनको चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और आज हम ये घनियाखाल की तरफ में हैं और प्रशासन से निवेदन है कि जो है वो अपने स्तर से जो है यहाँ पे कोई वाहन अगर इस तरह से कोई दिक्कत आती है तो उसको जो है उसकी व्यवस्था सुदृढ़ करने की कृपा करें। हिमपात हुआ है, पीछे आप देख रहे होंगे लगभग यहाँ पे 3 फुट की बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये बर्फ़ लगभग एक महीना यहाँ पे टिकेगी और लगभग फरवरी लास्ट तक यहाँ पे टिकेगी। तो जितने भी पर्यटक अगर आना चाहते हैं, बर्फ़ का आनंद लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। पौड़ी ज़िले से यहाँ की लगभग जो पौड़ी मुख्यालय है वहाँ से लगभग 130-140 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह होगी और ये त्रिपाली सैंड से लगभग 30 किलोमीटर आगे ये जगह है पीरसैंण से पहले। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आश्रम में गुप्त नवरात्रि के शुरुआती अवसर पर विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने मंगल गीत गाकर नृत्य कर राज राजेश्वरी और त्रिपुरा सुंदरी समेत अन्य आराध्य सिद्ध देवियों की आराधना की। मठ में शंकराचार्य के प्रतिनिधि ब्रह्मचारी विष्णु प्रियानंद ने बताया कि गुप्त नवरात्रि के अवसर पर 2 फरवरी से शुरू हुआ यह विशेष पूजा अनुष्ठान माघ शुक्ल दशमी तक आयोजित होगा और अनवरत राज राजेश्वरी समेत अन्य सभी देवियों की पूजा की जाएगी। वही अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह को मंगलौर पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 1.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। सीओ पंकज कुमार गैरोला ने बताया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में ये गैंग महिला की तरफ से मोबाइल से वीडियो कॉल करवाते थे और अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को डरा धमका कर ब्लैकमेल करते थे और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए की ठगी करते थे। इस गिरोह ने मंगलौर क्षेत्र में भी कई लोगों को अपना शिकार बनाया। शिकायत के बाद पुलिस लगातार इस गिरोह को दबोचने में लगी हुई थी। पुलिस को सूचना मिली कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है और कई जिलों में जाल बिछाकर अपराध की घटना को अंजाम देने में जुटे हैं। पुलिस ने मौके से गिरोह को पकड़ लिया है। 2021 को प्रवीण कुमार द्वारा एक महिला व 3-4 पुरुषों के विरुद्ध जो है विवाह पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा अंकित कराया गया कि उनकी अश्लील जो है महिला के साथ वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल कर पैसे लिए जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की और विवेचना के उपरांत जो तथ्य आए उस पर कल जो है इसमें 3 लोग ही, एक महिला व 2 पुरुषों की गिरफ्तारी की गई है, जिनसे वादी से जो पैसे लेने आए थे उसमें से बड़ी खबर का दिए गए पैसे 1.5 लाख रुपये भी बरामद हुए।
वहीं गदरपुर थाना क्षेत्र के 5 बॉर्डर चौकियों का पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर वंदना शर्मा ने निरीक्षण किया है। इस दौरान वंदना शर्मा ने कहा कि गदरपुर की 5 जगहों पर पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित हैं। यहां पर सभी व्यवस्थाएं मौजूद हैं और कर्मचारियों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। हीटर उपलब्ध करवाए गए हैं। मोबाइल शौचालय जल्द ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहीं यहां पर जो भी आता जाता है उनके वाहन पुलिस की तरफ से चेक किए जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत गदरपुर थाना क्षेत्र में हमने 5 अंतर जनपदीय और अंतर्राज्य बॉर्डर स्थापित किए हैं। सभी बॉर्डरों का, सभी बैरियर्स का मेरे द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है और सभी जगह हमने टेंट और तख्त, अलाव और हीटर आदि व्यवस्थाएं कराई हैं। और कहीं कहीं कोई व्यवस्था अगर ठीक नहीं है तो मेरे द्वारा इंस्पेक्टर साहब को निर्देशित कर दिया गया है उन्हें ठीक कराने के लिए। इसके अलावा सभी जगह CCTV कैमरे हैं और हर गाड़ी आने जाने वाली को हम लोग चेक कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की अवैध नकदी, शराब और मादक पदार्थ आदि के लिए हम लोग सघन चेकिंग कर रहे हैं और यदि कोई चीज़ पाई जाती है उसका रिकॉर्ड नहीं दिया जाता है तो उसको सीज किया जाएगा। उत्तरकाशी में धराली की ग्राम प्रधान प्रभा देवी ने खुद के बीजेपी में जाने का खंडन किया है। उनका कहना है कि वो कांग्रेस कार्यकर्ता है, लोकतंत्र में मत देने का सबका अपना अधिकार है, लेकिन ऐसी भी क्या जबरदस्ती है कि सड़क मार्ग पर चल रहे लोगों को पकड़कर फूलमाला पहनाकर ये दर्शाया जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आज सुबह भटवाड़ी रोड से नीचे की ओर गुजर रही थी, वहाँ भाजपा के उस प्रत्याशियों ने मुझे अंदर ले जाकर मेरी फोटो खींची और फेसबुक पर अपलोड कर दिया गया कि ये भाजपा में सम्मिलित हो गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से वो रखती हूँ और कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित हूँ। हम आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से कांग्रेस पार्टी के लिए और हमारी सारी वोट उन्हीं के लिए समर्पित है। और अगर इन लोगों ने जानबूझ कर ऐसा हमारी छवि को ख़राब करने की कोशिश की तो हम इन पर मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश सिंह राणा ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर वहां सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं को मिठाई का वितरण भी किया गया। निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश सिंह राणा ने फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। मुद्दे तो बहुत है यहाँ पर, जो है सबसे पहला मुद्दा किसानों का है और क्षेत्र की बहुत समस्याएं ऐसी हैं, रोडें टूटी हैं, कहीं कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका काम सिर्फ जो है कमीशन घोरी लेने का है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे राय समाज में जो है उन्हें SC का दर्जा दिलाना है, किसानों को उनके किसानों के फुले समर्थ जो है उपज का फुल मूल्य मिले। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जो है किसानों के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। आप लगातार समर्थन मिल रहा है, आप देख रहे होंगे सब लोग जो है यहाँ, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सब लोग भीगते हुए आए हैं। तो जहां एक तरफ निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद से ही विपक्ष की प्रतिक्रिया आनी तेज हो गई थी, विपक्ष इस बजट से नाखुश था, वहीं उत्तराखंड की जनता से जब इस बजट को लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने राय जाननी चाही तो ज्यादातर लोग इससे नाखुश दिखे। देखें इस बजट को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं आपके साथ निशी भाटिया। आज हम मौजूद है उत्तराखंड की राजधानी के मशहूर बाजार पलटन बाजार में, जहां लगातार 14 फरवरी को मतदान की प्रक्रिया को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जी हां, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो या फिर किसी भी माध्यम से, यहां पर लगातार जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और आज हम यहां लोगों से बातचीत करने भी पहुंचे हैं और खासकर जो बजट कल एक वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण द्वारा एक बजट की पेशी हुई है उसको लेकर भी जो मतदान की प्रक्रिया होने वाली थी उसमें काफ़ी हद तक जो लोगों ने एक प्लान बनाया हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है। जो BJP के सपोर्टर थे, अगर उन्हें लगता है कि उनके लिए कायदे का नहीं बना बजट तो वो कांग्रेस की ओर भी जा रहे हैं, कांग्रेस से BJP। तो ये जो वोट देने का उनका एक दृश्य था वो काफ़ी हद तक बदल चुका है इस बजट के पेशी के बाद। तो अब हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे राजधानी में किस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो हम आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो लगातार मतदान की प्रक्रिया को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी है जागरूकता को लेकर। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मतदान की प्रक्रिया को लेकर आपका क्या है निर्णय, कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है, कौन सी नहीं?
अब हम तो क्या बोल सकते हैं मैडम, कोई भी पार्टी आ जाए वोट तो देने, हाँ किसको बोले। बजट पर आप क्या कहेंगे कि बजट कैसा, बजट की अच्छा नहीं, हम तो एक्स फौजी आदमी है, कोई इनकम टैक्स में रिटर्न में कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगा बजट? अच्छा नहीं लगा। कोई एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा खाई होगी पेशी में जो बजट की, वो चीज होनी चाहिए थी? पढ़ा तो नहीं मैडम, लेकिन मैं एक्स आर्मी हूँ, हम तो रिटर्न भरते, पैसा देना पड़ता गवर्नमेंट को, ये कम होनी चाहिए था, लेकिन इस बार किया नहीं, 80+ वाले को किया नहीं, लोग ने करना चाहिए इन लोग को। कहीं ना कहीं जो भाजपा 60 पार की बात कर रही थी, और भी कहीं नारे जो देखने को नहीं मिले, पर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं देखो, मैं तो वैसे मैं तो कांग्रेस हूँ, पहले पैदा ही है नहीं मैडम, अब किस पार्टी को वोट दूंगा वो तो टाइम बताएगा मैडम। तो चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ युवा भी मौजूद है और भी कई सारे, यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी सर, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आ सकती है? मैम कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ जी। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस बढ़िया काम करती है, बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, बहुत ही बेरोजगारी है, बहुत ही बुरा हाल है, तेल पेट्रोल कितना महंगा है आप जानते ही है, बहुत महंगा ही है। बजट पर आप क्या कहेंगे, कल जो बजट आया? बजट का मैम मुझे नहीं पता कल ना। अच्छा, तो आपने बजट नहीं पढ़ा? नहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ा। तो आपने सुना तो होगा कुछ कुछ की बजट में, आपको क्या लगता है फिर भी जो कहा सुनी हुई है बजट को लेकर, आपको क्या लगता है उस बजट से काफी हद तक लोगों का जो निर्णय था मतदान का वो बदला है या नहीं? नहीं मैम कोई नहीं बदलेगा, यहाँ पे तो कांग्रेस ही चलेगी अब ना। हाँ कांग्रेस सरकार। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी सत्ता? यहाँ बीजेपी चाहिए, लेकिन पता नहीं यहाँ का कि मैं प्रॉपरली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ वैसे। तो बजट पे इसी पर आप क्या हिसाब से देखते हुए बीजेपी आनी चाहिए? कल का बजट देखा, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मतलब किसानों के लिए और देरी बजट, और गरीबों के लिए उन्होंने कम से कम 60 लाख लोगों के लिए मकान दे रही है। अच्छा। तो उसे देखते हुए बीजेपी आनी चाहिए। क्या बुरी चीज लगी आपको बजट में? पूरे बजट में वैसा कुछ नहीं है ज्यादा, बजट में बुरी चीज कुछ नहीं है ज्यादा, लोगों के लिए अच्छी चीज है, किसानों के लिए भी है और गरीब आम जनता के लिए भी है, तो देखते हुए मैं वैसे बीजेपी का सपोर्टर हूँ और बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, तो बीजेपी के सपोर्टर यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है बजट को लेकर आपकी क्या राय है? किसको देख के? बजट को लेकर आपका क्या राय? बजट तो बहुत ही खराब चल रहा है। बहुत खराब था। क्यों बहुत खराब? बहुत खराब इसलिए है कि जो पहले से नहीं है, जैसे आर्मी वालों का 1 rank 1 pension का है, तो उसमें जो है 2014 से अभी तक मिला नहीं है हम लोगों को, तो वो बजट तो बिल्कुल खराब है। और दूसरे में ये है कि डीए वगैरह भी अभी तक नहीं बढ़ाया है, पिछले बार का जो डीए था वो भी नहीं मिला है, महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है, महंगाई तो आपको महंगाई के बारे में कुछ नहीं पता है। और आपको क्या लगा कि कुछ बजट में अच्छा था या फिर सब बुरा था? मेरी तरफ से तो कुछ भी अच्छा नहीं था। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट तो करते हैं बीजेपी को। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं क्यों? बीजेपी क्यों? बीजेपी ने ऐसे पहले से तो अच्छा किया है जो कि पेंशन के बारे में। पर आप कहीं ना कहीं बीजेपी के जो अभी बजट पेशी हुई है, केंद्र ने जो बजट पेश किया है उसको लेकर आपकी नाराजगी खासा नजर आ रही है, बट आप कह रहे हैं बीजेपी को वोट? पहले अच्छा किया है, पहले वेतन बढ़ाई है लोगों को, अब जो वृद्ध पेंशन दी है वो अच्छी दी है, उसकी सर्विसिंग ठीक है कि, और अभी भी कुछ औरों को बढ़ा रहे, तो कुछ कुछ चीज़ें अच्छी है। पर ये है कि जो अभी का जो कल जो बताया था, अभी मैंने देखा नहीं, अभी आज 11 बजे होना था, वो मैंने देखा नहीं है, पर कल शाम को मैंने देखा था, तो उसमें इतना अच्छा नहीं है। तो अब और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है बजट में। सर बजट की पेशी के बाद आपका क्या रिएक्शन रहा? बजट तो बहुत बढ़िया है, देश हित में जो डिफेंस के लिए उन्होंने किया है, हर साल बढ़ता ही जा रहा है और देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो देश के प्रति जो एक कर्तव्य है गवर्नमेंट का, वो बहुत बढ़िया बात है, और उसमें इन्होंने इजाफा किया बजट में, बहुत अच्छी बात है। और पिछले 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ कि देश तरक्की कर रहा है, हम किसी भी क्षेत्र में देखें सब जगह प्रोग्रेस है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्रोग्रेस ना हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या देश के लिए हो, किसी भी सेक्टर के लिए, सभी सेक्टर में प्रोग्रेस हुई है। और इस समय पूरी दुनिया में सब जगह मंदी का दौर है, हिंदुस्तान अभी तरक्की कर रहा है और इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है इस समय। तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटर नजर आ रहे हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं? बीजेपी का कोई साथ नहीं है, कांग्रेस ने अपने टाइम पे काम किया था, लेकिन अभी जो बीजेपी ने किया है, जो उन्होंने 10 साल में किया है, उन्होंने 1 साल में किया है, काम दोनों ने किया है, लेकिन बीजेपी ने बहुत स्पीड से किया है काम।
तो ये आपको क्या लगता है कि जो बजट की पेशी हुई है उसमें से कोई एक चीज आपको जो लगी हो कि वो होनी चाहिए थी पर नहीं हुई? इसमें ये कहूँगा कि जो जैसे रोडों का बहुत तेज विस्तार हुआ है, इसी तरह इंडस्ट्री में भी थोड़ा तेजी आए कि प्रोडक्शन बढ़े और नई नई कंपनीज जो आ रही हैं उनका फटाफट काम हो। मतलब जो टाइम लगता है ना कि एक साल रजिस्ट्रेशन में टाइम लग रहा है या डेढ़ साल लग रहा है, वो एक दो महीने के अंदर फटाफट हो जाए तो उससे प्रोग्रेस तो जल्दी होगी फिर, क्योंकि अभी टाइम कंज्यूम होता है ज़्यादा। इन जो कानूनी प्रक्रिया होती है इसमें टाइम बहुत लगता है, तो फटाफट हो कम से कम। तो अब मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगी सर, आपको क्या लगता है बजट पेशी में आपका क्या रिएक्शन रहा, बजट जो आया है? उसमें सब बढ़िया ही है, ऐसा कुछ नहीं है, पर देखो देश में जो ये राजनीति पार्टी है ये अपना मतलब कहीं भी अपना हुनर दिखा रही है, ठीक है। ये सारे जितने भी राजनीति पार्टी है सारे बरसाती मेंढक है, ये अभी आ रहे हैं दो चार दिन के लिए, आ रहे हैं दो चार दिन अपने दारू मुर्गा खिला रहे हैं, बाद बाकी कुछ फ़ायदा नहीं है, पब्लिक रो रही है। आपको पता ही है कि लॉकडाउन से लोगों का कितना नुकसान हुआ है, अभी देखोगे आप 14 तारीख को इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद लॉकडाउन कर देंगे, जनता फिर भूख से मरेगी। मैम मैं बजट के बारे में यही कहूँगा कि बजट काफ़ी नफा तुला रहा और इसमें लॉन्ग टर्म विज़न गवर्नमेंट ने लिया है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये पूरी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा जी। तो इसके अलावा आपको क्या ऐसी चीज़ लगी जो बजट में अभी भी अधूरी है, करनी चाहिए थी सरकार को? इनकम टैक्स के स्लैब में थोड़ा सा अभी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 80C का जो उन्होंने 1.5 लाख का जो अभी तक किया हुआ है इसको थोड़ा सा एनहांस करने की ज़रूरत मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए। साथ ही थोड़ा सा स्लैब को भी थोड़ा सा ज़्यादा कर देना चाहिए, क्योंकि 5 लाख आज की डेट में बहुत ही एक कॉमन सी मतलब अमाउंट रह गई है, तो मुझे लगता है कि इसे भी थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आप किस पार्टी को इस बार जिताने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी पार्टी चाहते हैं आप सत्ता में आए? देखिए ओवरऑल देखा जाए तो मोदी फैक्टर काम कर रहा है और इस गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट के तौर पे देखे हैं तो बहुत अच्छा इकोनॉमी के लिए किया है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट का जो एक आगे का जो विजन है वो एक मॉडर्न इंडिया की तरफ लेके जा रही है, डिजिटल इंडिया की तरफ लेके जाने की है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट के बहुत अच्छे चांस हैं। अच्छा, तो बीजेपी के चांसेस आपको लग रहे हैं पूरे पूरे? जी जी मैम जी। और यही सवाल मैं आपसे भी कर देती हूँ कि अब जो सत्ता की भागदौड़ चल रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा है कि बरसाती मेंढक और काफ़ी बयानबाजी चल रही है, पर आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है सबसे बेस्ट? बीजेपी है। बीजेपी क्यों? क्योंकि हर काम बीजेपी ने वो कर दिखाया है, क्योंकि जैसे उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और इधर सेंटर में जैसे बीजेपी की सरकार है तो इसमें मोदी जी है, बेस्ट मोदी जी है। अच्छा। एंड बीजेपी। और बजट पर आप क्या कहेंगे कि बजट की पेशी हुई तो आपको एक बात ऐसी कौन सी थी जो सबसे अच्छी लगी और कौन सी सबसे बुरी लगी? बजट की बात रही तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर इसी तरह से चलते जाएंगे तो देश आगे तो बढ़ेगा ही। और बात रही बीजेपी की, जैसी चल रही है सरकार बीजेपी की एक बार फिर आनी चाहिए, क्योंकि काम वो हो रहे हैं जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था। आप ये लगा लो नोटबंदी हुई, मतलब किसी ने एक बार सोचा था कि नोटबंदी होगी कि हम करवाएंगे, पर किसी ने किया नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार ने मोदी जी ने ये कर दिखाया। तो वो अच्छा था कि नहीं अच्छा था? नोटबंदी की बात आपने करी पर काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि जब से मोदी सरकार ने नोटबंदी कराई है उसके बाद से सबके काम जो है ठप पड़ चुके हैं। वो तो ऐसा है ना, क्योंकि मैम क्योंकि अगर तो नोटबंदी नहीं करे कितना काला धन वो बाहर निकला, अगर नोटबंदी नहीं करते वो काला धन कुछ नहीं बाहर निकलने वाला था। आपको लग रहा है ये मोदी जी का ये बेस्ट डिसीजन था? यस, मोदी जी का ये बेस्ट डिसीजन था। आप इस बार बीजेपी को जिताने वाले? यस जी। तो जैसा कि हमने इनसे बातचीत करी और आखिर में जो निर्णय निकल कर आया है कि बीजेपी काम अच्छा कर रही है, बजट की पेशी में काफ़ी हद तक जो टैक्स स्लैब की बात कही गई थी उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बाकी किसानों को लेकर और जो फौजी और सैनिकों के लिए जो कही गई थी बात उस चीज़ पे भी अभी सैनिकों की खासी नाराजगी हमें देखने को मिली। इसके साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ मैं निशी भाटिया, नमस्कार।
वहीं प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे अफरा तफरी के माहौल में राजपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी खजान दास और कांग्रेस से राजकुमार के बीच कड़ाके की टक्कर है। ऐसे में कौन सी सरकार पर और कौन से ऐसे विधायक प्रत्याशी पर जनता करेगी भरोसा, इसको जानने की कोशिश की देहरादून से हमारी संवाददाता निशि भाटिया ने। इस दौरान क्या रही लोगों की राय, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं निशि और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी में और एक ऐसी विधानसभा में जहां पर उनकी निजी समस्या जानने के लिए हम लोगों से बातचीत करेंगे। आज हम मौजूद हैं राजपुर विधानसभा में। जी हां, राजपुर विधानसभा की क्या क्या परेशानियां और क्या क्या इनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया, इस चीज़ को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। एक बार मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी खजान दास जी हैं और इसके अलावा जो कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं वो है राजकुमार जी। तो अब हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि आपको क्या लगता है किस विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या नहीं हुए? विकास कार्य तो सारे सही हुए हैं, ऐसा तो कोई गलत हुआ ही नहीं है। अच्छा, सही हुआ है सब। तो आप अपने विधायक को जो अभी इससे पहले खजान दास जी थे उनको कितने नंबर देंगे 10 में से? अब क्या कह सकते हो, अभी तो पूरे ही देंगे। अच्छा, सही देंगे जितने। तो आपको क्या कौन सा चेहरा पसंद है? अभी भी आप खजान दास जी को ही वोट देंगे या फिर राजकुमार जी? खजान दास को। खजान दास। तो मैं ये सवाल आपसे भी करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा में क्या क्या काम हुए हैं क्या क्या नहीं हुए हैं? काफ़ी काम हुए हैं, जैसे मलिन बस्तियों की यहाँ मेन समस्या थी और यहाँ पर एक जल की काफ़ी समस्या थी जो हमारे माननीय विधायक जी खजान दास जी द्वारा कराई गई है। कुछ समय कम भी मिला क्योंकि कोरोना काल था, उस कोरोना काल में भी लगातार वो जनसेवा में आगे बढ़ रहे थे। और बाकी राजपुर विधानसभा में कार्यक्रम कार्य होते जा रहे हैं और निश्चित ही आगे भी खजान दास जी एक बार पुनः आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि जो थोड़े बहुत कार्य रह गए होंगे वो भी वह पूरे करेंगे। तो आपको लगता है कि यहाँ से राजपुर विधानसभा से अब बीजेपी अपना परचम लहराएगी? बिल्कुल लहराएगी। देखिए, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है और एक विचारधारा को वो साथ लेके जो चल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, वो निश्चित रूप से सार्थक हो रहा है। हमारे धामी जी जो हैं युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा सोच है और सशक्त उनके जो विचार हैं वो निश्चित ही हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। आपकी विधानसभा में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो नहीं हुई हो या फिर कोई है ऐसी समस्या? देखिए मैम, छोटी मोटी समस्या लगी रहती हैं लेकिन मेन मुद्दा ये रहता है कि स्वास्थ्य, जल और सड़कों का जो मुद्दा रहता है वो काफी हद तक मेरे हिसाब से पूरा है, थोड़ा बहुत। तो स्वास्थ्य इस बार राजपुर विधानसभा से एक मुद्दा बन सकता है, स्वास्थ्य या फिर जल की समस्या? नहीं, समस्या थी, उनको धीरे धीरे हमारे विधायक ने जो है कम किया है। अभी एक हॉस्पिटल है जो शहर का, उसमें बेड की समस्याएं थी तो 135 बेड का वहाँ पर विस्तार हुआ है। अच्छा। तो इस उससे स्वास्थ्य की सेवाएं भी लगातार अच्छी होती जा रही है। तो आप कितने नंबर देंगे अपने विधायक को? मैं 10 में से। अब जो चेहरा आने वाला है उनको? मैं बिल्कुल 10 में से 10 दूंगा और मैं लोगों से भी यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर दोबारे खजान दास जी को विजयी बनाए। आपसे जानना चाहूंगी कि इस विधानसभा को लेकर क्या है आपका नजरिया? दो चेहरे सामने आ चुके हैं, खजान दास जी और कांग्रेस से राजकुमार, तो आपके हिसाब से कौन सा चेहरा सबसे ऊपर उठने वाला, किसका परचम लहराएगा? राजकुमार जी का। राजकुमार जी का। राजकुमार जी का क्यों? क्योंकि राजकुमार जी जैसे मलिन बस्तियों में जो भी नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर चाहे बाढ़ आए तो वो एक घंटे में अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं। और जी वर्तमान के जो विधायक थे खजान दास जी, ये वहाँ बस्तियों में जाते भी नहीं हैं। राजकुमार जी वहाँ भरे पानी में खड़े होकर बीच में लोगों की हेल्प करते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए खजान दास जी की, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया वो हमें देखने को मिला, उसके बाद जो राजकुमार जी का कार्यकाल किसी ने नहीं देखा और उसके बाद अब सारी जनता कह रही है कि उनका काम अच्छा है इसलिए अब की बार बीजेपी का परचम लहराएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको मैं एक चीज़ बहुत बड़ी बता देता हूँ, जैसे कि राजकुमार जी ने हाई टेंशन तार 11,000 बोल्ट की, ये वाल्मीकि मोहल्ला करनपुर में ये उस तार से कम 6 मौतें हो चुकी थी और वो तार हटाने का काम राजकुमार जी ने करा, सिविल लाइन बिछाने का काम राजकुमार जी ने करा, पानी की लाइन राजकुमार जी ने करा, जितना उन्होंने विकास करा है
कांग्रेस के जब हमारी सरकार थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, तो हरीश रावत जी ने विकास की गंगा बहा रखी थी। अच्छा, तो फिर मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके क्षेत्र से, आपकी विधानसभा से कौन सा आपकी बार चुनावी मुद्दा होने वाला है, जिस मुद्दे के बतौर अब इलेक्शन लड़े जाएंगे? को कांग्रेस सरकार, हमारी सरकार बनती है तो हम 500 रुपए का गैस देंगे सिलेंडर, और शिक्षा वो करेंगे बेहतर। समस्या हमारी आपस की समस्याएं है, इससे देश से मतलब नहीं है। देश जो है, देश प्रधान होता है, और मोदी जी पूरे दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर एक के नेता बन गए हैं आज। अच्छा। अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन सबके सबसे ज्यादा बढ़िया प्रधानमंत्री बन गए हैं वो। तो खजानदास जी को जिताने का मकसद आपका मोदी जी से है? जी हाँ, मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, यदि बीजेपी यहाँ आएगी तो खजानदास जी होंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे योगी जी यूपी में काम कर रहे हैं, ऐसा ही कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे आए जो इतना बढ़िया काम कर सके। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए उत्तराखंड की जनता को, यानी धामी जी को, उन योगी जी जैसा बनना पड़ेगा। तो और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त क्या मेन मुद्दा बना हुआ है इस विधानसभा का। जैसे कि आपने देखा कि आज हम राजपुर विधानसभा में मौजूद थे, जहां हमने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम लोकेशन को चेक किया, और पूरी विधानसभा का रियलिटी चेक करने के बाद जो एक निर्णय निकल कर आया, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का परचम जो है लहराता दिखा। कहीं ना कहीं खजानदास जी फिर से वापसी कर सकते हैं सत्ता में, और इस बार राजपुर से विधायक भी शायद खजानदास जी बन सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी राजकुमार जी फिर भी अभी इस रेस में आगे ही चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक आखिरी निर्णय निकल कर आ रहा है, वो ये देखना होगा कि यहाँ पे कितना विकास कार्य हुआ। तो लोगों के मुद्दे बेहद ही दिलचस्प रहे कि विकास कार्य हुआ है, लेकिन फिर भी जल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं इस विधानसभा को झेलनी पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ मैं निशी भाटिया, देहरादून। तो फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।